क्या आप भी अपनी गूगल फोटोज से फोटोज को डिलीट करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी गूगल फोटोज से फोटो को परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हैं? सो, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि परमानेंटली फोटो को कैसे डिलीट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा डिजिटल पर भाई यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम अपने मोबाइल में अपने गूगल फोटोज को ओपन करेंगे। ओपन करने में देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा और आप जो भी यहाँ से फोटो डिलीट करेंगे, सिंपली उन फोटो को यहाँ पर अपलोडेड फोटो हो या फिर आपकी गैलरी की फोटो हो, उन सभी को हम यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। देखिए, डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको फोटो के ऊपर क्लिक करना होगा। इस तरीके से आपको प्रेस करके रखना होगा। जितनी भी फोटो डिलीट करना चाहें उन सभी को आप यहां पर इस तरीके से सेलेक्ट भी कर सकते हैं और इन्हें यहां से डिलीट करने के लिए देखिए सबसे पहले डिलीट का आइकन मिलेगा, यहां से डिलीट करेंगे। लेकिन परमानेंटली फोटो डिलीट नहीं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं सबसे पहले आपको गैलरी में जाकर दिखा देता हूं, तो यहां पर मैं अपनी गैलरी को ओपन करता हूं। चलिए, गैलरी को ओपन करने के बाद यहां पर देख सकते हैं हमारी गैलरी में ये जो यहां पर फोटो होंगी, देखिए कुछ फोटो आपको यहां पर दिखाई दे रही है क्योंकि ये सभी फोटो अलग अलग फोल्डर से हैं जो वहां पर मैंने एक साथ सभी को सेलेक्ट कर ली है। यहाँ पर देखिए मैं ऑल पे क्लिक करूंगा। चलिए यहाँ पर ऑल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए वो फोटो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस तरीके से ये सभी फोटो अलग अलग हैं। एक साथ मैं इन सभी को यहाँ पर डिलीट करूंगा। तो देखिए यहाँ पर अपनी गूगल फोटोज को मैं ओपन करता हूँ और डिलीट के आइकन पर मैं क्लिक कर दूंगा। ये 10 फोटो हैं। यहाँ पर देखिए मूव टू बिन का ऑप्शन आएगा, सिंपली क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएंगे लेकिन परमानेंटली नहीं। अब यहाँ से बैक आते हैं और देखिए हम अपनी यहाँ पर गैलरी को ओपन करते हैं। देखिए वो फोटो भी यहाँ से हट गई लेकिन ये डिलीट नहीं हुई। इन्हें परमानेंटली डिलीट करने के लिए सबसे पहले देखिए आपको अपने गूगल फोटोज में जाना होगा। इसके बाद देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है लाइब्रेरी का, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद देखिए एक ऑप्शन मिलता है बिन का, सिंपली यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आपने जो भी फोटो वहाँ से डिलीट की होंगी वो सभी फोटो यहाँ पर स्टॉक हो जाती 60 डेज के लिए। ये देखिए ऊपर लिखा भी है, यहां पर पढ़ सकते हैं परमानेंटली डिलीटेड आफ्टर 60 डे, मतलब 60 दिनों के बाद ही यहां से फोटो ये परमानेंटली डिलीट होगी, वरना आपकी यहां पर ये स्टोर रहेंगी और यहां पर जगह कैप्चर करके भी रखती है। तो सिंपली इन्हें यहां पर टिक करेंगे और सभी को एक बार में यहां पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर मैंने देखिए सभी को एक साथ मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप इन्हें फिर से रिकवर करना चाहते तो यहां रिस्टोर पर क्लिक करेंगे। अगर परमानेंटली डिलीट करना चाहते तो देखिए डिलीट का आइकन है, यहां पर क्लिक करेंगे। फिर देखिए आपसे ये पूछ रहा है कि ये डिलीट आइटम, मतलब डिलीट फोटोज आपकी ये परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे और फिर इन्हें आप कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। यहां डिलीट परमानेंटली पर मैं क्लिक करता हूं। यहां देखिए परमानेंटली डिलीटेड नथिंग इन द बिन्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो भी फोटोज़ थी वो सभी बहुत ही आसान तरीके से डिलीट हो गई। इस तरीके से आप भी अपने गूगल फोटोज़ की फोटोज़ को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं।